नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चल, लखनऊ में सीएम योगी का आज मुंबई दौरा है। बता दें, नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी पर आज मंथन किया जाएगा, जहां पर सीएम करेंगे बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ बैठक। तो प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर आज बैठक की जाएगी, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रोग्राम में जाएंगे सीएम योगी। तो आज सीएम योगी का जो है मुंबई दौरा है, जहां पर वो नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी पर आज मंथन करेंगे। सीएम करेंगे साथ साथ बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ बैठक। बता दें, प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर आज सीएम योगी जो है बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों के साथ बैठक करेंगे, और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रोग्राम में भी सीएम योगी जाने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर आज सीएम योगी का मुंबई दौरा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा सीएम योगी का रहने वाला, जहां पर वो प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर आज मंथन करने वाले हैं और उसके लिए बैठक करेंगे, जिसमें बॉलीवुड के तमाम दिग्गज जो है वो शामिल होने वाले हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आज सीएम योगी का जो है मुंबई दौरा है, जहां पर वो नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर आज बैठक करेंगे, और उस बैठक में बता दें आपको बॉलीवुड के तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर के, जहां पर दिल्ली में केंद्र सरकार ने किसानों को आमंत्रित किया है। बता दें, विज्ञान भवन में किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, जहां 3 बजे सरकार और किसानों के बीच में बैठक होगी। बता दें, केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री किसानों से बातचीत करेंगे। तो आज जिस तरीके से देश भर में किसानों द्वारा प्रदर्शन जारी था, उसी को देखते हुए केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो है आमंत्रित किया गया है, जहां पर आमंत्रण दिया गया है, जहां पर आज विज्ञान भवन में किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। बता दें, 3 बजे सरकार और किसानों के बीच में बैठक की जाएगी, जहां पर केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री आज किसानों से बातचीत करने वाले हैं। तो केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जो है किसानों के साथ बातचीत करने वाले हैं, जहां पर इन सभी को आज विज्ञान भवन में बैठक के लिए बुलाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर आज खंड स्नातक और खंड शिक्षक के लिए मतदान है, जहां 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान है। बता दें, स्नातक की 5, शिक्षक कोटे की 6 सीटों पर मतदान है, जहां पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जो है वो चलेगा। तो स्नातक की 5, शिक्षक कोटे की 6 सीटों पर आज मतदान जारी है, जहां पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं बलरामपुर में पत्रकार राकेश सिंह और उसके साथी को जिंदा जलाकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधान निधि में हो रहे बंदरबाट की खबर लिखने और पैसों के लेन देन के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि बीते रविवार आरोपियों ने केमिकल युक्त सैनिटाइजर डालकर